हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको बथुआ के चार पांच आइटम बताने जा रहे हैं। वो आप ध्यान से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, ये बथुआ है। इस बथुआ को हमने बॉयल कर लिया है, कुकर में हमने बॉयल कर लिया है। बॉयल करके देखिए, पहले हम आज बथुआ का चटनी बनाएंगे। तो ये जो बथुआ को हमने उबाला उसको हमने मिक्सी में डालकर हमने पीस लिया है अच्छे से। पीसने के बाद अब पीसने के बाद देखिए हम इसमें क्या क्या मिलाते हैं। इसमें हम देखिए, यहाँ पे अदरक हमने कूट के रखा हुआ है, ये लहसुन है, ये हरा मिर्चा है। अब इसमें हम थोड़ी सी ये अदरक डालेंगे, थोड़ी सी ये देखिए पांच कली है, पांच कली लहसुन को हमने कटिंग कर लिया है, इसमें डाल दिया हमने। और ये हरा मिर्चा है हमने, ये दो पीस है कटा हुआ, हम इसमें डाल दिए। अब इसमें हम थोड़ा सा ये देखिए सरसों का तेल है, ये डाल देंगे थोड़ा सा, एक चम्मच करीब हमने इसमें सरसों का तेल डाल दिया। और अब हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालना है। हाँ देखिए, स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल रहे हैं। आपको जितना नमक चाहिए आप उसके अनुसार आप मिला लीजिए। अब इसको हम इसमें मिक्स कर दिए। ये हमारा चटपटा बथुआ का चटनी तैयार हो गया। चटनी में हमने क्या क्या डाला, अदरक डाला, लहसुन डाला और ये हरा मिर्चा और सरसों का तेल और नमक। ये हमारा एक आइटम तैयार हो गया। अब हम दूसरा आइटम आपको बताने जा रहे हैं, बथुआ का रायता। अब देखिए, बथुआ का रायता के लिए भी इसमें से भी हम बॉयल उबला हुआ बथुआ हमने ले लिया एक चम्मच। अब इसमें हमने डाल दिया। अब इसमें भी हम कुछ कलियां लहसुन का हमने ले लिया और ये अदरक थोड़ा सा हरा मिर्चा थोड़ा सा हरा मिर्चा और देखिए थोड़ा सा काला नमक, स्वाद अनुसार काला नमक। और ये भुना हुआ जीरा पाउडर और सरसों का तेल आधा चम्मच, बस छोटा वाला टीस्पून होता है उसी से। अब इसमें हमने डाल के इसको मिक्स कर दिया। देखिए भी चटपटा रायता तैयार हो गया। पहले हम इसमें दही ले लिए थे, दही हमने ये देखिए ये है ना, इसमें दो चम्मच दही ले लिया था, ऐसे दही निकाल लिया। उसमें फिर हमने बथुआ डाला, हरा मिर्चा, अदरक, लहसुन, सरसों का तेल और अब थोड़ा सा सफ़ेद नमक भी डालेंगे। ये सफ़ेद नमक यानी कि सेंधा नमक वो हम डाल रहे हैं जरा सा, तो ये बहुत टेस्टी हो जाता है रायता। देखिए बना रहे हैं, अब मुंह में पानी आ रहा है। देखिए एक ये रायता तैयार हो गया, बथुआ का रायता। अब हम बना रहे हैं आपको ये पपीता। ये बॉयल पपीता रखा हुआ है, उबला हुआ पपीता। इसमें से हम हाँ इतना पपीता हमने ले लिया। ये दही है, ये दो चम्मच दही है, दो चम्मच हमने दही लिया है। इसमें हम पपीता डाल रहे हैं और ये बथुआ भी हम डाल रहे हैं। इसमें पपीता है, बथुआ है और ये हरा
लहसुन है, लहसुन कटा हुआ, ये लहसुन डाल रहे हैं, ये अदरक डाल रहे हैं, कूटा हुआ है अदरक, ये कूटा हुआ हरा मिर्चा है एक पीस, और जीरा पाउडर, हाँ ये जीरा पाउडर है, ये जीरा पाउडर हमने डाल दिया, ये काला नमक थोड़ा सा डाल दिया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा ये सफ़ेद सेंधा नमक हमने डाल दिया, और ये आधा चम्मच सरसों का तेल इसको हमने डाल दिया। अब देखिए ये चटपटा, ये पपीता और बथुआ का मिक्स रायता तैयार हो गया। ये हर कोई के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें आयरन कैल्शियम दोनों चीज रहता, बहुत चीज में फायदे करता है ये, और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी सब अमृत है ये। देखिए अब हमारा कितना आइटम तैयार हो गया, देखिए ये एक चटनी तैयार हो गया बथुआ का, एक बथुआ का रायता तैयार हो गया, ये पपीता और बथुआ का ये भी एक रायता तैयार हो गया, और वो भी चटपटा टेस्टी। अभी और आइटम बताने जा रहे हैं। हाँ अब देखिए, अब चौथा आइटम बनाने जा रहे हैं, बथुआ का दाल। ये दाल रहर का दाल है, बॉयल हुआ है। अब देखिए कुकर गर्म हो गया है, कुकर गर्म हो गया, उसमें शुद्ध घी डाला हुआ है, अब उसमें जीरा डाला जा रहा है, ये तड़क जाएगा। अब ये जीरा तड़क जाएगा तब, अभी गर्म है तड़का नहीं है। बथुआ के साथ में हम आपको 10 फायदे बताने जा रहे हैं। बथुआ को वैसे इंग्लिश में ऑल गुड बोलते हैं, और इसमें नेचुरल गोल्ड की मात्रा पाई जाती है। देखिए ये हो गया, नमक डाले हैं, अदरक डाले हैं, अब हरा मिर्चा डाल रहे हैं, ये हरा मिर्चा पड़ा, लहसुन, लहसुन पड़ा, हाँ अब ये पपीता डालने जा रहे हैं। देखिए उबला हुआ पपीता है ये, उबला पपीता डाल दिया, ये पपीता भी काफी फायदेमंद होता है, किसी तरह का भी आपको किसी तरह का भी सूजन हो उसमें ये आराम देता है, ये बहुत अथराइटिस में फायदा करता है, ये पपीता कितना अधिक फायदेमंद है। किसी तरह का गठिया उठिया भी हो, गठिया में भी बहुत फायदा करता है। अब ये देखिए बथुआ उबला हुआ है, इसको डाला जा रहा है, देखिए इसने हमने डाल दिया, अब डाल दिया, अब देखिए दाल डालेंगे, हाँ अब इसमें दाल डाल देंगे हम, ये बथुआ का दाल, अब ये करीब करीब रेडी ही है क्योंकि सब चीज बॉईल किया हुआ है, बस इसको तड़का लगाना था। अब देखिए ये बथुआ की अब पूड़ी बनेगी है। देखिए बथुआ का दाल बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल गरम गरम है, एकदम भाप उठ रहा है। बथुआ में से बहुत फायदा है, इसमें नेचुरल गोल्ड पाया जाता है ना, ये कृमि नाशक भी होता है, जो छोटे बच्चों के पेट में कृमि होते हैं ये कृमि नाशक भी होता है, और बुद्धिवर्धक भी होता है, यानी कि बहुत बुद्धि बढ़ाता है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो हमेशा खाए तो उनका ब्रेन तेज होगा, शार्प होगा, और पथरी
और मूत्र संबंधी जो भी रोग है उसमें भी बहुत फायदा करता है ये बथुआ। अब देखिए पूड़ी बनने जा रहा है। खांसी आ रही है, सॉरी, मौसम का असर हो गया है। ये पथरी मूत्र संबंधी रोगों में भी और सूजन, किसी तरह का भी सूजन हो उसमें ये फायदा करता है बहुत ज्यादा। अथराइटिस में लाभ देता है, यूरिक एसिड में भी लाभ देता है, लीवर में अगर सूजन हो उसमें भी फायदा करता है, किडनी में सूजन हो तो उसमें भी लाभ करता है, किसी तरह की भी इन्फेक्शन हो उसमें भी बहुत लाभ करता है। ये खून को बढ़ाता है, एनेमिक कमी को भी ये दूर करता है। और किसी भी लेडीज को अगर मासिक धर्म का प्रॉब्लम है, लेडीज में लड़की हो औरत हो जो भी हो, अगर वो हमेशा इनका सेवन करे, मासिक धर्म का जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो खत्म हो जाएगा। जिसको मासिक नहीं आ रहा है उसको भी मासिक आने लगेगा, अगर जिसको खुल कर मासिक नहीं आ रहा है तो उसका खुल के मासिक आने लगेगा। ये कहिए कि हार्मोनल प्रॉब्लम भी ठीक कर देता है, ये इतना अधिक इसमें गुण होते हैं ये। अब देखिए हमारी पूरी भी हो गई है। अब हमारी थाली रेडी होने जा रही है। हाँ देखिए, बथुआ की चटनी, बथुआ की रोटी, सॉरी बथुआ की पूड़ी। ये देखिए, ये बथुआ का रायता है, ये बथुआ और पपीते का रायता है, ये बथुआ की चटनी है। अब हम बथुआ का दाल निकालने जा रहे हैं, यानी ये तैयार हो गया हमारा बथुआ थाली। देखिए अब हमारा तैयार हो गया ये बथुआ की थाली। देखिए, बथुआ की पूड़ी, बथुआ का दाल, बथुआ की चटनी, बथुआ का रायता, ये बथुआ, अभी पपाया पपीता, यानी डबल ट्रिपल, समझिए कि हजार गुना पावरफुल, ताकतवर, बहुत फायदेमंद वाला चीज है। ये शुगर के पेशेंट है वो भी जम कर खा पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो भी प्रॉब्लम है सब दुम दबा के भाग जाएगा। आपको ये कैसा लगा है हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।